ब्लॉक पररी कृपाल के एक मजगवा गांव में खड़े हैं, जो क्या लगता है इसका प्रधानी क्या है? गिलौली, गिलौली में है इस वक्त। आपको दिखा सकते हैं एक ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं जो कई वर्षों से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार कहती है आज़ादी के इतने दिन हो गए, 70 साल हो गए, कुछ भी हो गया, सबको दे दिया गया है, इनको ना उजला गैस का मिला है। अभी इनसे बात किए हैं और ये छप्पर में रहने को मजबूर हैं और ठंडी भी विकट, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना शुरू हो गई है। आप गोंडा के ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कोई योजना का लाभ नहीं मिला, इनका शौचालय मिला है जो सौभाग्य योजना है, वो इसका भी लाभ नहीं मिला है। कोई भी सरकारी योजना बात बात करना चाहते हैं। हाँ दादा बताइए, आपका क्या नाम है? नानू। नानू, आपको कोई योजना का लाभ मिला? पेंशन से मिली है? कुछ नहीं, पेंशन भी नहीं मिली है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं और लड़कियों के लिए लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा, लगभग कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 65 साल तो हो गई। हाँ, ये 65 साल के हो गए। ये भी, ये देखिए, ये भी महिला है। 8 पनाती हैं। अच्छा, हाँ। आपको आपका पेंशन मिला? नहीं मिला, हमें नहीं मिला, जहाँ कहो तहाँ चली। हाँ। ये समस्या है, ये जमीनी हकीकत है। मैं गोंडा से हामिद अली, लाइव न्यूज 18, कैमरामैन तौफीक के साथ, गोंडा। दादा क्या नाम है? नानू। अच्छा अच्छा, क्या किस गांव से हैं आप? मजगवा। मजगवा मतलब ग्राम मजगवा है? नहीं, गिलौली है। प्रधान यहाँ के कौन है? साजन। साजन, क्या आपको सरकारी योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला? जो कुछ नहीं सा है। कितनी उम्र हो गई आपको? 65 साल तो हो गई। 65 साल है। 70-80 साल। अच्छा अच्छा, माता जी आप बताइए क्या नाम? हमारे पहला नाम है। कोयला नाम है। ये आपके कौन है? हमारा आदमी है। तो आपको सरकारी योजना का उजला गैस योजना या कोई भी कोई योजना नहीं मिली आपको अभी तक सरकार द्वारा? कुछ नहीं मिला भैया, कुछ सौभाग्य योजना गैस कनेक्शन मिला? कुछ नहीं, हमारे बाद देख ली चूल्हा बड़ा। कितने बच्चे? आपके छप्पर में सबका गुजारा हो रहा है कि किसी का मकान भी? लेटरिन भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। जो मतलब शौचालय है वो भी नहीं मिला आपको? चूल्हा बनाई खाई थे पुरेनिया चूल्हा नहीं बाल पैसे देखे मिल जाए।